हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज एक्चुअली मैं इवनिंग वॉक पे आया था कॉलेज से जाने के बाद, थोड़ा सा एक नैप लिया। फिर उठने के बाद लाइक आई वाज जस्ट प्लानिंग कि थोड़ा स्ट्रेस फील होने वाला है क्योंकि नींद से उठे हैं तुरंत और रूम थोड़ा बहुत आइसोलेटेड टाइप का है। सो दैट्स व्हाई आई चूज टू कम इन वॉक, जो कि अभी आया हुआ हूँ और सोच रहा था कि एक पेड़ में दो निशाना मार दूँ, जिसके लिए लाइक यू कैन सी आई एम मेकिंग अ ब्लॉग अलोंग विद माय इवनिंग वॉक। एक्चुअली नाम पे आया था वॉक पे, लेकिन साथ में लिया साइकिल को, साइकिल पे आया मेरे साथ। सो यू कैन सी इट्स अ वॉक बोल सकते हैं कि साइकिलिंग करने आए हैं, आया साइकिल में चढ़ते हुए। बागादोरी तो नहीं करूँगा, साइकिलिंग ही करूँगा, जो भी वट एवर। एंड एक्चुअली द थिंग इस ब्लॉग में आज मैं कवर करने वाला हूँ BHU का कुछ पार्ट। सो यू कैन से द ब्लॉग इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ कैंपस टूर ऑफ BHU, लेकिन यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ। इट्स जस्ट लाइक जो जो मेरा रास्ते में पड़ेगा वो सारा दिखा के जाऊँगा आप लोगों को। जैसे कि अभी मैं एक्चुअली प्रिंसिपल कॉलोनी पे हूँ, मतलब इस जो BHU का जो ये एरिया है इसको BHU का प्रिंसिपल कॉलोनी बोलते हैं, क्योंकि ये सारा जो है प्रिंसिपल लोगों का क्वार्टर बोल सकते हैं, छोटा छोटा करके कॉटेज टाइप। यहाँ पे एक्चुअली खाली है, इसलिए मैं यहाँ पे चूज़ किया बैठ के रहने के लिए। लाइक आई केम अक्रॉस और यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा हूँ, तो सोच रहा कि ब्लॉग बना दूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर नाउ। सो लेट्स नॉट डिले एनी मोर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सारा जितने सारे घर देख रहे हो छोटा छोटा करके, लाइक कॉटेज टाइप मिनी बिल्डिंग्स, ये सारा जो है प्रोफेसर लोगों का घर है। और ये है BHU का बाउंड्री, जो उस तरफ है वो है आउटर साइड ऑफ BHU और ये है इंटीरियर। ये जो दिख रहा है घर, छोटा छोटा घर के मिनी साइज बिल्डिंग्स, ये सारा प्रिंसिपल कॉलोनी और कुछ हाँ प्रोफेसर लोगों का नाम वगैरह भी लिखा है जिस चीज़ का भी घर है। और हो सकता है मेरा एक दोस्त को भी दे दूँगा, लाइक शी वॉन्ट्स ज्वाइन इन माई इवनिंग वॉक, फिर एक साथ जाके लाइक वी विल बी हैंगिंग अराउंड द कैंपस। और उसके साथ साथ ये एक टाइप का बोल सकती हो कि BHU का कैंपस तोड़ दे रहा हूँ, लेकिन कोई डिपार्टमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट गोना कवर द डिपार्टमेंट्स। और जो ऊपर ऊपर में देखने को मिलेगा मेरा वॉक का रास्ते पे, आई एम गोना शो यू दैट। ये है BSC का बोल सकते हैं, हाँ BSC का प्रोफेसर लोगों का रेसिडेंशियल फ्लैट। या यू कैन सी दिस कार्स पार्किंग है ऊपर में, इट्स लाइक आई थिंक इट्स 10 स्टोरीज बिल्डिंग ये है। और ये है उन लोगों का एक हॉल टाइप बोल सकते हैं, जहाँ पे वो लोग अपना शादी का अगर कुछ प्रोग्राम हो ये सब सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। एज यू कैन सी द डेकोरेशन आउट देयर, सम मैरिज इज हैपनिंग। और एक्चुअली ना यहाँ पे जो पीछे में दिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली दो बार हम लोग का प्रोफेसर्स भी देखे थे केमिस्ट्री का भी। ये सारा जो छोटा छोटा दिख रहा है, दिस आर ऑल प्रोफेसर्स वाटर। और आई एम गोना नाउ गो एंड टेक वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि वेट कर रहे हैं हॉस्टल में, फिर दोनों जाएंगे एक साथ वॉक पे। इट्स लाइक शी इज गोइंग टू जॉइन मी। या एक्चुअली पीछे जो देख रहे हो चुड़ैल है, इसी को ही लेने के लिए सोच रहा था, मतलब बोल रहा था इतना देर, तो ये अभी मेरे से साइकिल ले लिया। तो अभी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को पार करते हुए मैं जॉगिंग करते हुए आया, इसलिए बहुत थका हुआ लग रहा हूँ। और अभी एक्चुअली कैमरा इसलिए लिफ्ट किया आप लोगों को वो दिखाने के लिए, BHU का मेन कंप्यूटर सेंटर, जहाँ से हम लोगों का जितना सारा ऑनलाइन पोर्टल अपडेशन एंड इवेंट, जितना सारा ऑनलाइन का काम होता है ना BHU का अंदर, फॉर्म फिलअप वगैरह, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग, ये सारा जो होता है जो सामने का जो ये सारा होता है ना, ये सारा सामने का जो बिल्डिंग है वहाँ से होता है। और ये जो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर सेंटर करके, और ये है मेन बिल्डिंग उसका। और आगे जो है आगे जाने से आप लोगों का मेन दिखा गेट दिखाई देगा उसका, जो ऊपर में लिखा है सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, जहाँ पे दिख रहे हो आप लोग वो देखो जो गेट के ऊपर लिखा है। सो दैट्स इट एंड दिस इज द मेन सेंट्रल ऑफिस, यू कैन से कंप्यूटर सेंटर। और जितना सारा ऑनलाइन का प्रोसेस वगैरह एक्स वाई जेड होता है ये सारा यहाँ से होता है। और वहाँ पे दिख रहा है वो है मेन सेंट्रल ऑफिस, ये है कंप्यूटर का सेंटर और वो है मेन सेंट्रल ऑफिस। वहाँ से भी आधा हैंडल होता है, यहाँ से आधा हैंडल होता है। और हमको इससे मतलब नहीं कि ये कंप्यूटर सेंटर है वो उतना वो जो भी है सेंट्रल ऑफिस, हमको बस मतलब है उनको महीने में कितना सैलरी मिलता होगा। एक्चुअली मैं उसके लिए ग्रीट नहीं था, ये है जो सैलरी के पीछे दौड़ता है उन लोगों का, मेरे तो कोई मतलब नहीं उन लोगों का सैलरी से। और हाँ BHU का अंदर ना बीच बीच में SBI के ATM भी मिलेंगे, जो आप लोग सामने देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाना पड़ेगा, अगर आप लोग को कभी भी पैसा विदड्रॉ करना हो ये SBI के ATM है, यहाँ से ही सब कुछ होता है। और ये है BHU का कंट्री साइड एरिया बोल सकते हो, जो साइड में है। एंड दिस इज अस, और ये चुड़ैल जो मेरा साइकिल है, अभी साइकिलिंग कर रही है, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, फायदा तो मेरा ही होगा, साइकिलिंग में क्या ही होगा इतना, भाई कुछ नहीं होने वाला है। ये देख रहे एक्चुअली है मोटा 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 ही रहेगा।
आप लोग देख सकते हो अभी इसका बारी है जॉगिंग करना और मेरा है साइकिलिंग करना। मेरे को पता नहीं इसको देख के क्यों भी एथलेट का ट्रेनर जैसा फील आ रहा है। इधर देख दो मेरा स्टूडेंट। यस यस यस, बिकॉज द थिंग इज आई एम राइडिंग ऑन अ साइकिल एंड शी इज जस्ट जॉगिंग वॉकिंग बिहाइंड मी। एज यू गाइस कैन सी इट्स हर कम अप बड़े। जॉगिंग करते करते अभी फाइनली आ गए हैं BHU का स्वतंत्रता भवन। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है रे? आप लोगों को समय नहीं दे रहा होगा ये क्या बोल रहा है क्योंकि स्पीकर मेरा टी शर्ट में सेट है। कहाँ एक्चुअली क्लास में थे उनको मिले हैं और ये एक्चुअली वो बोल रही थी कि ये स्वतंत्रता भवन है, यहाँ पे सारा प्रोग्राम वगैरह होता है और इवन IITians लोग इसको बुक करते हैं अपना प्रोग्राम करने के लिए। दैट्स इट, इसके अंदर घुसेंगे नहीं। हाँ, और ये अभी बंद है इसलिए इसके अंदर नहीं जा रहे हैं हम लोग। अभी ना हम लोग IIT के एरिया साइड में जाएंगे जॉगिंग करते हुए या साइकिलिंग करते हुए, फिर उसके बाद देखते हैं और क्या क्या मिलता है आप लोगों को दिखाने के लिए। एक्चुअली द थिंग इज हम लोग इतना देर ब्लॉगिंग करते हुए आ रहे थे, ये बोल रहे थे कि लोग IIT का मुँह से घुस के साइड से पीछे से निकाल जाते हैं और हम लोग IIT का साइड से घुस के मुँह से निकाल के आए थे। ये एक्चुअली आप लोगों को ब्लॉगिंग करते हुए दिखा रहे थे, बाद में देखा कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ था। क्या है बोले, एक्चुअली ये जब साथ में होता है ना ये सब फेस करना होता है अंडा की। तो अभी वापिस जा रहे हैं आप लोग IIT का एंट्रांस दिखाने के लिए, जो हम लोग IIT का मुंह बोल रहे थे हम लोग निकाल के आए थे। एस यू कैन सी द इन फ्रंट, ये है BHU का IIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आगे नहीं जाएंगे ठीक है, ट्रैफिक है, ये देख सकते हो ये है एंड ये है उसका गेट। मैं बोला था जिधर से हम लोग निकाल के आए थे, जो कि लोग सामने से घुस के साइड वाइड से निकाल के जाते हैं और हम लोग साइड से घुस के उसका मुंह से निकाल के आए। यहाँ पे है वापिस आए थे लौटने इसको दिखाने के लिए, स्टाइल कर रही थी आधे में रुक गई है। अरे चलो अच्छा, इसको स्मार्ट लड़का दिख गया और बोल रहा था कि वो भी IIT से। एक्चुअली BHU का जो विश्वनाथ टेम्पल है वो यही पैर के लिए दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पैर को काटना चाहिए? और ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ वो दिखो वो दिखो वो दिखो, वो है विश्वनाथ टेम्पल का टिप जो बोलते हैं ना, वो है उसके अंदर ही है मंदिर, मतलब वही है मंदिर। और ये है रास्ता उसका, और ये ना आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए बचा है तो इसलिए वो थोड़ा देर में दिखाएंगे अभी आप लोगों को। तो अभी के लिए ये साइकिलिंग कर रहे हैं तो मैं भी जॉगिंग करते हुए जा रहा हूँ। It's a nice day, releasing our whole stress of the whole day. So, just stay tuned for a little more. So, आप लोग अभी कभी BHU पे आएंगे. For your guys, kind information, मैं आप लोगों को बताती हूँ. मैं बताती हूँ. बता. ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग fruits खाते हैं. और यहाँ actually महंगा मिलता है fruits, लेकिन बहुत अच्छा रहता है यहाँ का. क्योंकि यहाँ क्वांटिटी भी अच्छा देते हैं और क्वालिटी भी अच्छा रहता है। और साथ साथ में ऐसा जो फ्रूट कोर्ट है ये पूरा BHU में फैला हुआ है। हाँ, चारों तरफ कोने कोने में। यहाँ से IIT वाले भी खाते हैं, BHU वाले भी खाते हैं, क्योंकि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। लेकिन ऐसा बहुत सारा मिलेंगे दुकान। हाँ, तो आप कहीं से भी खा सके, ऐसा नहीं कि यहीं पे आना जरूरी ये है, लेकिन हम लोग यहीं से खाते हैं। और बात ये है कि यहाँ पे प्योर फ्रूट मिलेंगे आप लोगों को, काट के देंगे, फ्रेश भी मिलेगा। हाँ, फ्रेश ही है सारा, इवन फ्रूट जूस जैसे कि मैंगो शेक। ऐसा नहीं कि मैंगो शेक आर्टिफिशियल है, आप लोगों का सामने ही मैंगो काट के देंगे, फिर शेक बना के देंगे और इवन मौसम्बी का जो भी है एक्स वाई जेड फ्रूट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इवन सीजनल फ्रूट्स अभी जैसे कि वाटर मेलन चल रहा है समर में, ये सब मिलेगा आप लोगों को फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और वो जो सामने में दिख रहा है वहाँ पे एक्चुअली फास्ट फूड इन द सेंस समोसा मिलेंगे और उसके बाद ब्रेड पकौड़े मिलेंगे, हाँ यही सब मिलेंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने से भूखा रहेंगे, आप लोगों को सफिशियंट अमाउंट ऑफ खाना मिलेगा यहाँ पे आके BHU का। आप लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं कहीं से भी। आप लोगों को इतना देर फ्रूट चाट के बारे में बोल रहे थे, दुकान के बारे में, हम लोग खुद ही आ गए यहाँ से फ्रूट का मैंगो शेक खाने के लिए। एक है 35 रुपीज़। और ये भी खा रही है राक्षस, इंतज़ार नहीं कर पा रही है, खाते जा रही है। सो आई होप आप लोगों को
अच्छा लगा होगा जितना देर तक आप लोगों को कैंपस टूर कराया गया। चले जाने के लिए गो नाउ, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।